हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं भरता बनाने वाली हूँ, बैंगन भरता और मटर वाला। तो चलिए मिलके बनाते हैं। पहले मैं कढ़ाई रख देती हूँ गर्म होने। इसमें मैं थोड़ा सा सरसों का तेल डालूंगी। जब तक तेल गर्म होता है तब तक मैं प्याज कट कर लेती हूँ। मेरा प्याज कट हो चुका है और इसमें मैं जीरा डाल देती हूँ। तेल भी गर्म हो चुका है, इस सरसों के तेल में बना रही हूँ मैं। थोड़ी सी हींग भी डाल दी है मैंने इसमें। तो मेरा ये प्याज भूनता है, तब तो मैं टमाटर और हरी मिर्च और अदरक काट लेती हूँ। ये मैंने धो के रखा हुआ है टमाटर और हरी मिर्च वगैरह, अदरक भी है इसमें। तो थोड़ा स्लो कर देती हूँ, तो निकाल के दोबारा से करना पड़ेगा, ये सेट नहीं हुआ है। इसका अगर ये ट्रेंड ऊपर नीचे हो जाता है ना तो ये चलता नहीं। इसमें मैं टेस्ट के हिसाब से नमक डाल देती हूँ पहले। फ्रेंड, मैं हल्दी नहीं डालती हूँ भरते में। इसका कलर वैसे ही बहुत अच्छा आता है। देखिए, टमाटर, अदरक, हरी मिर्च ये भी डाल दिए मैंने प्याज के साथ, और साथ में ये थोड़े से मटर है मेरे पास, ये मटर भी डाल देती हूँ। ये भी फ्राई हो जाएंगे साथ में। अभी नमक मैं डाल चुकी हूँ, हींग डाल चुकी हूँ इसमें। इसको मैं थोड़ी देर के लिए ढक देती हूँ, थोड़ा ये गल जाएंगे, फिर मिलती हूँ मैं आपसे। इसको चला लेती हूँ थोड़ा सा। और ये मैंने अदरक लहसुन, वो अदरक लहसुन कह रही हूँ, ये लाल मिर्च का और लहसुन का थोड़ा सा पेस्ट है, ये मैंने भिगो के रखी थी। और इसको लाल मिर्च को, साबुत लाल मिर्च को, इसको मैंने ग्राइंड कर लिया है। और दो तीन कली इसमें लहसुन की डाल दी हैं। लहसुन पहले नहीं डाला था मैंने। ये हरी मिर्च, वो हरी मिर्च कह रही हूँ, लाल मिर्च के साथ इसको मैंने भिगो दिया था गर्म पानी में, और इससे कलर इसका बहुत अच्छा आ जाता है।
पहले फ्रेंड्स मैंने इसमें प्याज डाला, प्याज को भुना, फिर मैंने अदरक और टमाटर और हरी मिर्च वो काट के डाली इसमें। अभी लाल मिर्च का और लहसुन का पेस्ट डाला और मटर डाला है, बस इतना ही हुआ है। अभी थोड़ी देर इसको मैं ढक देती हूँ। ये मैंने देखिए, ये जो बड़े वाले भरते वाले बैंगन होते हैं वो मैंने जला के और इसको साफ करके रखा है धो के। अब मैं इसमें 5 मिनट के बाद इसको थोड़ा सा ये हो जाएगा, उसके बाद मैं मसाले और ये बैंगन डालूँगी। पाँच मिनट हो चुके हैं ये। अब मैं इसमें ये दो बैंगन हैं बड़े बड़े, इनको अच्छे से मैश कर दूँगी इसमें। ये मैंने छील के और चेक करके इसको बैंगन को, क्योंकि बरसात का मौसम है, बैंगन में हो सकता है कोई कुछ कीड़ा वीड़ा हो तो वो चेक करना पड़ता है पहले इसको डालने से पहले। अब मैं इसको अच्छे से, इसमें पानी नहीं डालूँगी फ्रेंड्स में और ना इसमें हल्दी डालूँगी। बाकी लहसुन प्याज अदरक हरी मिर्च टमाटर सब मटर सब डल चुका है इसमें। अब इसको हमने कुछ नहीं करना है, इसको तड़का हो चुका है, नमक मैं ऑलरेडी डाल चुकी हूँ। अब इसमें बाकी मसाले मिक्स कर देती हूँ और इसको ढक के हल्की आंच पे रख देती हूँ, ये पूरा भुन जाएगा इसमें ही। आप कैसे करते हैं, कैसे बनाते हैं भत्ता मुझे कमेंट्स करके बताइएगा फ्रेंड। अब इसमें मैं थोड़ा सूखा धनिया, थोड़ा गर्म मसाला, थोड़ी सी लाल मिर्च और थोड़ा सा हल्का सा नमक, थोड़ा नमक मैंने पहले डाला था, अब बैंगन के हिसाब से थोड़ा नमक और डाल दिया है। सरसों के तेल में बनाती हूँ फ्रेंड्स, तो इसमें ऑयल बिल्कुल दिखता नहीं है। 2 ही चम्मच आपके सामने ऑयल डाला था मैंने। अब इसको मैं पकने के लिए इसको ढक के रख देती हूँ और थोड़ी सी इंडक्शन स्लो कर देती हूँ। अभी बाकी का काम मेरा हो चुका है, मसाले का काम भी हो चुका है। अब मैं थोड़ी देर बाद आपसे मिलूंगी। देखिए फ्रेंड, 10-15 मिनट हो चुके हैं इसको मुझे ढके हुए। ये हो चुका है भरता। मटर चेक कर लेते हैं हम कि गल गए हैं नहीं। ये देखिए अच्छी तरह से गल गए मटर हमारे। और देख लीजिए फ्रेंड्स, मैंने 2 चम्मच में ये भरता बनाया है, 2 चम्मच ऑयल में, सरसों के तेल में। आपको कहीं भी, लोग कहते हैं कि भरते में बहुत ऑयल होता है, बहुत ऑयल होता है। देखिए आपको कहीं से दिख रहा है इसमें ऑयल, ये देखिए इसमें कहीं से भी ऑयल नहीं है। 2 चम्मच में मैंने भरता बनाया है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा फ्रेंड्स, और आप भी बनाइएगा घर में। मटर डाल के बहुत टेस्टी लगता है भरता। अब मैं इसको बाउल में निकाल लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल।